शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दिया खून के लिए 5 लाख की सुपारी। कमरे में खून से सना मिला महिला का शव पति पर था संदेह। अलीपुर इलाके में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना कार्यकर्ता ने दिया खून के लिए 5 लाख की सुपारी। मुंबई शिवसेना के मालवा ने यहाँ वार्ड नंबर 33 में 6 महीने पहले शाखा प्रमुख के लिए चुनाव किए गए और हाल ही में नागरिक के तौर पर छानबीन शुरू है। आसाम में एक हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी देने का मामला सामने आया है। आसाम पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने के लिए मुंबई आए तब यह मामला सामने आया है। अमीरुद्दीन तालुकदार उम्र 36 ऐसा नामक दर्शाया जा रहा है। आसाम पुलिस ने उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। उस वक्त पूछताछ के दौरान तालुकदार ने उसको एक व्यक्ति का खून करने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। ऐसा कबूल किए जाने के चलते कई दिनों से तालुकदार फरार बताया जा रहा है। आसाम पुलिस इसे फरार घोषित कर दिया। फरीदाबाद इलाके में एक घर में महिला का खून से लथपथ शव मिला है। शव की सुई महिला के पति पर घूमती बताई जा रही है। घटना के आरोपी इस शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी है और घर को बाहर से बंद कर फरार हो गया है। वारदात फरीदाबाद के बलाड़गढ़ इलाके की चित्रा कॉलोनी की है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी, साथ ही साथ पत्थरों से भी कुचला गया। राजधानी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी। इस वजह से गांव में बुजुर्ग की उनकी ही घर के अंदर घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।